गाइज वेलकम टू माई चैनल भारतीय लाइफ स्टाइल विद कुकिंग। सो बहुत दिन के बाद आज मैं आपको किसी से मिलाने जा रही हूँ जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था आई हैव वन सन, तो मैं उसी को आज आपसे मिलाने जा रही हूँ। तो चलिए टन टना मास्क दे। व्हाट इज योर नेम? इसका नाम है कियांश एंड ये बहुत ही प्यारा है और इसे मैं जो भी पढ़ाती हूँ ना तो फटाक से पढ़ लेता है। बहुत ही एकदम टैलेंटेड बच्चा है। वैसे सबको अपने बच्चे बहुत ही होशियार ही लगते हैं। तो अभी इसका 3+ चल रहा है एंड प्ले स्कूल इसका कंप्लीट हो गया था और जैसे ही मैं इसको स्कूल में मतलब एडमिशन कराने वाली थी वैसे ही लॉकडाउन हो गया तो ये स्कूल जाने से बच गया है ना। तो आज हम लोग मुंबई जा रहे हैं और किस लिए मतलब मुंबई में ही रहते हैं बट तो आज हम अंधेरे जा रहे हैं। तो अंधेरे किस लिए जा रहे हैं ये आपके लिए सरप्राइज है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए आपको कुछ सीखने को मिलेगा इसमें इस वीडियो में और साथ ही हम दोनों एंजॉय भी करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मुंबई के लिए और मुंबई में हम लोग अंधेरी साइड जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे मतलब हीरो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं। तो मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं एक बार जाके वहाँ पे देखूँ कि भाई ये एरिया कैसा होता है और वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो सो फाइनली आज वो दिन आ चुका है और मैं और कियांश जा रहे हैं मुंबई अंधेरी साइड। एक्चुअली मैं जा रही हूँ कियांश के ऑडिशन के लिए क्योंकि मैंने कई एडवर्टाइजिंग देखा था सोशल नेटवर्क पे कि बच्चों का कास्टिंग हो रहा है एडवर्टाइजिंग और ब्रांड्स के लिए, तो मैंने वहीं पे अप्लाई कर दिया था कियांश के लिए। सो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और मैं बहुत ही एक्साइटिंग हूँ कि ऑडिशंस कैसे होते हैं वो मैंने कभी देखा नहीं, बस सुना है। आज पहली बार मैं देखने वाली हूँ, एक्सपीरियंस करने वाली हूँ कि ऑडिशंस क्या होते हैं और कैसे कास्टिंग होता है। तो वही मैं अपने कियांश के लिए मैं ऑडिशन के लिए लेके जा रही हूँ। मुंबई में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं कि अगर आप देखो तो आँखें घूम जाएंगी। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग देखिए, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर रीच हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर और मैं बहुत ही एक्साइटिंग हूँ। और कियांश को भी देखो। सो हम लोग निकल रहे हैं और जाने के लिए 5th फ्लोर हमें जाना है। तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मेरा ही ऑडिशन होने वाला है। अब देखते हैं क्या होगा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है लगता है ऑडिशन के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और रेडी है हम लोग, पता नहीं क्या होगा। देखिए कितना खुश हो गया है। एक्चुअली इसका ऑडिशन होने वाला है और इसको कुछ भी पता ही नहीं है क्या होने वाला है। सो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोर्ड दिया है और इसमें सारे डिटेल्स मैंने लिख दिया है। और ये देखिए कास्टिंग ऑफिस, तो इसका ऑडिशन अभी इसका ही नंबर है। गो थोड़ा नीचे, वेरी और थोड़ा नीचे, वेरी गुड, स्माइल करो। अबे फोटो शूट है ब्रो, और मॉडल लोग की फोटो लेते हैं, लोग का शूट रहता है। वेरी गुड। सो गाइस फाइनली इसका ऑडिशन हो चुका है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी फाइनल रिजल्ट वो लोग बताने वाले हैं मुझे, तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ कि क्या बताने वाले हैं। और इसने वो लोग ने जो भी इसको कहा कि कैसे खड़े हो रहना है, कैसे फ़ोटोशूट करना है, इसने सब वैसे ही किया। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने इस पर इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था पर इसने कर दिखाया है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो गाइस अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ और उन्होंने क्या बोला है वो मैं घर पे जाके आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे हमारी गाड़ी आने वाली है
तो गाड़ी आ चुकी है और मैं घर पे जाने के बाद मैं बताऊंगी और कियान सेलेक्ट हुआ है या नहीं। सो गाइस हम लोग घर पे जा रहे हैं और शो इसका वो शूटिंग था वो हो चुका है। 20 मिनट का ही काम था बट इतना टाइम पूरा दिन इसी में निकल जा रहा है क्योंकि जो मुंबई में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा ट्रैफिक कितना होता है, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। और हम लोग को कुछ भूख लग रहा है तो ये ड्राइवर अंकल गए कुछ लाने के लिए, देखते हैं पहले कुछ खा के फिर बाद में चलते हैं। हनी को भी बहुत भूख लग रहा है, भूख लग रहा है हनी तुझे? हनी क्या खाना है? राइस इसको राइस खानी है। और अभी इससे पहले तो वो बर्गर बर्गर चिल्ला रहा था पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहीं बर्गर कुछ दिख ही नहीं रहा, पिज्जा बर्गर वगैरह, तो फिर सोचे लास्ट में कि चलो यहाँ पे कुछ कचौरी वगैरह दिख रहे थे स्नैक्स तो वो लेते हैं। और ये बेचारा भी उसको कार जमता ही नहीं है, ट्रैवलिंग में इतना थक जाता है। सो कचौरी आ चुका है, खाना है और पहले हम लोग खा लेते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और वहाँ पे तो मैक्सिमम मुझे एक डेढ़ घंटा ही टाइम लगा पर एक डेढ़ घंटे के काम के लिए मुझे पूरा दिन उसी में चला गया। अभी बज रहे 4, अभी तक तो मैंने लंच भी नहीं किया। तो वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो बहुत सारे मतलब एडवर्टाइजिंग बहुत सारे ब्रांड के वो एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वहाँ पे मैं गई, बहुत सारे लोग थे। फिर बाद में कियांश की जब बारी आई तो उसके डिटेल्स वगैरह लिए, फ़ोटोशूट हुआ थोड़े, और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि इसका पोर्टफोलियो चाहिए तो वो पोर्टफोलियो मुझे मेल करना है। तो देखते हैं, अब तो मैं घर आ गई हूँ और उसका पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो मीन्स उसके फ़ोटोज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, आई थिंक सो, तो वही मेल करना है फ़ोटोज़। पहले तो उसका क्लिक करवाना है फिर देन मेल करना है, तो देखते हैं क्या होता है, सेलेक्ट हो या ना हो तो अलग बात है। जस्ट मैं एक्सपीरियंस के लिए गई थी, कुछ नॉलेज के लिए गई थी एंड अभी तो वो छोटा है तो देखते हैं क्या होता है। आप मेरे वीडियो में बने रहे, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको बताती रहूँगी। देन अभी तो घर पे आ गए और बहुत ही भूख भी लग रहा है, अभी तक तो मैंने लंच भी नहीं किया था। सुबह थोड़ा सा नाश्ता करके गई थी बट ट्रैवलिंग में इतना थक जाती हूँ ना मैं, और कियांश भी वॉमिट किया था, वो थक गया है। तो ये तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।